उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ था। यूपी के हाथरस में हैवानियत का शिकार हुई दलित गुड़िया जिंदगी से जंग हार गई। हैवानों ने गैंगरेप के बाद उसकी जीभ भी काट दी थी, उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई थी। वारदात के बाद वो एक हफ्ते से ज्यादा बेहोश रही थी। सोमवार को ही हालत खराब होने के बाद किशोरी को एम्स दिल्ली ले जाया गया था। मंगलवार की सुबह लगभग 4 बजे उसने दम तोड़ दिया। दुनिया में अमेरिका के बाद कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले भारत में ही सामने आए हैं, लेकिन देश में ये वायरस अब पहले जितना घातक नहीं रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि संक्रमण के नए मामलों के बजाय इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को कोरोना मरीजों की संख्या 61 लाख को पार कर गई, लेकिन हाल के दिनों में सामने आ रहे दैनिक मामलों की तुलना में आज कोरोना के नए मामले कम सामने आए हैं। आईपीएल 2020 में सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया मैच बेहद रोमांचक रहा। मैच का नतीजा सुपर ओवर में निकला। विराट कोहली के चौके की बदौलत जीत आरसीबी को मिली। इससे पहले बल्लेबाजी का न्योता स्वीकार करते हुए आरसीबी ने 3 विकेट गंवाकर 201 रनों का स्कोर खड़ा किया। वहीं मुंबई इंडियंस ने भी 5 विकेट खोकर 201 रन बनाए और मैच सुपर ओवर में पहुंच गया। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में 28 साल के लंबे इंतजार के बाद लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत कल यानी कि 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाने जा रही है। 28 साल तक चले इस मामले की सुनवाई में 351 लोगों ने गवाही दी थी, 600 दस्तावेज पेश किए गए। इतने लंबे समय तक चले इस केस के 17 आरोपियों की मौत मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही हो गई। अब बुधवार को सीबीआई के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव बाकी बचे 32 लोगों पर अपना फैसला सुनाएंगे। दिल्ली पुलिस ने अपने ही एक ऐसे ऑफिसर को गिरफ्तार किया है जिस पर अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारने और ससुर की हत्या करने का आरोप है। अवैध संबंधों के जाल में फंसे सब इंस्पेक्टर संदीप दहिया ने पहले तो दिल्ली में अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारी, इसके बाद मायके में रह रही पत्नी को मारने रोहतक पहुंच गया। पत्नी नहीं मिली तो ससुर पर ही गोलियां बरसा दी और उनकी जान ले ली। दिल्ली पुलिस के उत्तर जिला स्पेशल स्टाफ ने संदीप दहिया को गिरफ्तार कर लिया है। एक समय के रोमांटिक हीरो और सीरियल किसर नाम से मशहूर एक्टर इमरान हाशमी इस बार एक नए अंदाज में लोगों के सामने आने वाले हैं। इमरान हाशमी की फिल्म हरामी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। रिलीज के पहले ही ये फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स तक अपनी छाप छोड़ने जा रही है। वहीं अब इसके ट्रेलर ने भी लोगों का दिल जीत लिया है। साउथ सुपरस्टार प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म राधेश्याम के साथ दर्शकों के मनोरंजन के लिए तैयार है। अभिनेता के एक फैन ने हैदराबाद में नए रेस्टोरेंट पक्का लोकल का उद्घाटन किया है, जिसमें प्रभास का हालिया रिलीज राधेश्याम का पोस्टर लगाया गया है। दरअसल होटल का ओनर प्रभास का फैन है और इसी वजह से उसने ऐसा किया है। प्रभास के फैंस अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे बाहुबली एक्टर को सरप्राइज मिलता ही रहता है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच में जुटी सीबीआई को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने प्राइमरी रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट सौंप दी है। सुशांत की विसरा रिपोर्ट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विसरा रिपोर्ट में सुशांत की बॉडी में जहर नहीं मिलने का जिक्र है। एम्स के डॉक्टरों को सुशांत के शरीर में किसी तरह का ऑर्गेनिक पॉइजन नहीं मिला है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम ने कूपर हॉस्पिटल में हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया है। बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के साथ नए म्यूजिक वीडियो जरूरत में पहली बार स्क्रीन स्पेस साझा करेंगे। म्यूजिक वीडियो जरूरत में किरण बेदी, सोनल मानसिंह, लक्ष्मी अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और आनी चोइंग डोलमा भी नजर आएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यह गीत लोगों के दर्द को बयां करने की आज़ादी देता है। मैं सकारात्मक हूँ कि हम इन कठिन समयों से गुजरेंगे और मुझे खुशी होगी कि इस तरह की एक सकारात्मक और रचनात्मक पहल में मैंने अपनी आवाज दी। हाल ही में बॉलीवुड की मशहूर सिंगर सोना महापात्रा ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कंगना रनौत से जुड़ी कई बातें की है। अपने ट्वीट में सोना महापात्रा ने लिखा कि कंगना अपने सिवा कभी किसी के लिए नहीं खड़ी हुई है। इसके साथ ही सोना महापात्रा ने लिखा कि हाँ, बॉलीवुड में जारी कुछ बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें जरूर बहादुर कहा जा सकता है।